दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिरेकल थंडर सेटअप के बारे में कि अगर मिरेकल थंडर सेटअप जब आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, उसके बाद जब उस सेटअप को आप ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में और उसके बाद जब वो सेटअप ओपन हो जाता है तो उसमें जो है थीम जो होता है कंपनी का जो बाई डिफॉल्ट जो थीम होता है और वो थीम आपको पसंद नहीं होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप उस थीम को चेंज करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से आप उस थीम को चेंज कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट उसे आप रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको यहाँ पे मिरेकल टूल ओपन करके आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस टूल को ओपन किया और इसका कुछ कलर इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक और जो है व्हाइट में दिख रहा है और मान के चलिए ये थीम हमको पसंद नहीं है और इस थीम को अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो हम इस थीम को चेंज कर सकते हैं। इसका कोई भी जो इसमें लिखावट आ रहा है इस अक्षर को अगर हम अगर चेंज करना चाहें, इसका कलर हम चेंज करना है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे टूल पे क्लिक करना है और टूल पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन है चेंज थीम का, चेंज कलर का, तो दोस्तों यहाँ से आप जो है इसे यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे चेंज थीम पर क्लिक कर देना है और जैसे आप चेंज थीम पर एक बार क्लिक करेंगे उसके बाद आपको चले जाना है सी प्रोग्राम में और सी प्रोग्राम में जाना है आपको मिरेकल सेटअप जो आपका इंस्टॉल है यहाँ पे जाना है आपको मिरेकल सेटअप के फोल्डर में चले जाएंगे। मिरेकल थंडर सेटअप में आप यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक कर देंगे, जब इस फोल्डर पे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं यहाँ थीम है, थीम वाला फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है और जब थीम वाले फोल्डर को आप ओपन करेंगे उसके बाद किसी भी थीम को आप सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो इसका जो है कलर जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। चलिए दूसरे थीम को हम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से कोई भी जो है थीम आप यहाँ से जो है अपने मनपसंद थीम को जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसमें जो है सेट कर सकते हैं। और दोस्तों मान के चलिए कि अगर आप इनमें से किसी भी थीम को आपने सेट कर दिया है मिरेकल के सेटअप में और उस सेटअप का कोई भी थीम अगर आपने यहाँ इसमें सेट किया उसके बाद आप जब भी कंप्यूटर को आप रिस्टार्ट करेंगे और मान के चलिए मिरेकल बॉक्स को क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर बाय डिफॉल्ट जो कंपनी था वही रह जाएगा। तो आपको इसमें ऐसे में करना क्या है, आपको यहाँ पे सेव सेटिंग पे क्लिक करके जो है इसे सेव कर देना है और जब सेव कर देंगे तो फिर आप जब भी इसे बंद करके दोबारा जब चालू करेंगे तो फिर आपका जो सेव किया हुआ रहेगा थीम वही थीम ही इसमें शो करेगा, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए इनमें से कोई भी थीम अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ऊपर में जो यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग पे क्लिक करके जो है जैसे आप डिफॉल्ट सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है कुछ इस तरह से जो है ओरिजिनल इसका थीम है ये आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थीम जो आप देख रहे हैं ये थीम जो है इस तरह से आपका हमेशा के लिए सेव रहेगा। और उसके बाद मान के चलिए अगर आपको कलर सेट करना है इनमें से तो कलर आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर में क्लिक करना है और ये जो मिरेकल जो सेटअप का जो बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है, तो उसमें इनमें से कोई भी कलर आप जो है यहाँ पे जो सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ओके करना है। वो ओके करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे मिरेकल सेटअप का जो बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो चुका है। उसके बाद दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि जो भी लिखा हुआ आता है, जैसे हम फ्लैशिंग करते हैं, अनलॉकिंग करते हैं, उसमें जो भी लिखा हुआ आता है उसका जो कलर होता है, ठीक है, तो उस कलर को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मान के चलिए हमने इस कलर को यहाँ पे सेट कर दिया और ये कलर हमें पसंद नहीं है, चलिए फिर से दोबारा हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे फिर से क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट किया तो रेड कलर सेलेक्ट करने पर जैसे हम यहाँ पे ओके किए तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ आ रहा है इसमें ये जो भी लिखा हुआ आएगा वो बिल्कुल रेड कलर में आएगा। उसके बाद ये सारे कलर जब आप सेट कर लेंगे उसके बाद आपको सेव सेटिंग पर क्लिक करके इसे सेव कर देना है, यानी जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं उसे आपको सेव करना होगा। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो जब भी आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे या मिरेकल बॉक्स को क्लोज करके दोबारा जो आप ओपन करेंगे तो फिर बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेव जरूर करना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।